बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। और सो क्वेश्चन है, सो दैट द होल लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कार्डियाइड इज इक्वल आर इज इक्वल टू ए 1+cos θ इज 8 है। यानी कार्डियाइड जो कि यहाँ पर इसका इक्वेशन दे रखा है आर इज इक्वल टू ए 1+cos θ, उसकी लेंथ 8a के इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो कार्डियाइड का इक्वेशन है वो हम लिखते हैं यहाँ पर, r इज इक्वल टू ए 1+cos θ, ये गिवन इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड है। तो इसको सबसे पहले प्लॉट करके देखते हैं कि इसके जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, लिमिट की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो इसकी फिगर से ही पता चलेगा, और इसका फिगर हमें याद होना चाहिए। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लाइन हमने ड्रॉ की है, इनिशियल लाइन ओ एक्स लाइन है, इनिशियल लाइन, इसको थीटा इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। और ये लाइन जो वाई एक्सिस जैसी होगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगी। कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट प्लस वाला जो है वो इस तरह बनता है, यानी इस तरीके से ये हार्ट के शेप में होता है कोऑर्डिनेट, यानी है तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ओ जो है वो पॉइंट पोल कहलाता है, यहीं से सारी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ओ से होती है 2a के इक्वल, ये हमें याद होना चाहिए, बहुत फेमस कोऑर्डिनेट है ये, डिस्टेंस a होती है। और इसमें कोऑर्डिनेट इसके अगर लिखें तो 2a, 0, तो यहाँ पर 0 y कोऑर्डिनेट नहीं बल्कि ये थीटा है, एंगल है, क्योंकि r कॉमा थीटा की फार्म में ये कोऑर्डिनेट्स ने दिए गए। जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें तो 0, a नहीं होंगे बल्कि होंगे ये a, π/2, यानी r पहले, डिस्टेंस पहले, और फिर एंगल इनिशियल लाइन से एंगल लापा जाता है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री है। फिलहाल हम यहाँ पर प्लॉट नहीं कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट है, इसकी लिमिट हमको देखना पड़ेगी, होल लेंथ निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लें, हमें ज़रूरत पड़ती है फार्मूले में इसके लेंथ निकालने के लिए, लेंथ निकालने का फार्मूला होता है, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है dr/dθ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको एक थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, a इंटू में कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin θ, इस तरीके से -a sin θ हो गया, ये dr/dθ की वैल्यू हो गई। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, देखिए इस जगह से लेके हम और ये पूरा घूमते घूमते इस जगह पर आएंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई पर आएंगे, तो इतने पोर्शन की लेंथ निकाल लेते हैं, इसका ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसे ऊपर बना है उतना नीचे है, यानी जो लेंथ ऊपर होगी वही इसके नीचे होगी। तो हम ऊपर वाली लेंथ निकाल लेते हैं जो इस लाइन के बीच में, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई के बीच में इतना पोर्शन है, इसकी लेंथ निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल लेंथ आ जाएगी। तो इसलिए इसके रिक्वायर्ड लेंथ हम लिखेंगे, यानी रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कार्डियाइट, लेंथ ऑफ कार्डियाइट, तो कार्डियाइट की जो होल लेंथ है वो बस हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल है, यानी ऊपर वाली निकाल लेंगे और 2 से इंटू कर देंगे, तो ये टोटल दुगनी टोटल वैल्यू हो जाएगी। और देखेंगे थीटा की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेके पाई तक, यहाँ से यहाँ तक थीटा इज इक्वल टू 0 to π। अब इसका फार्मूला जो होता है वो लिख देते हैं यहाँ पर, r² + dr/dθ। रेक्टिफिकेशन मतलब वो प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने शुरुआत में चैप्टर का नाम लिया, जिसमें किसी कर्व की लेंथ निकाली जाती है, तो लेंथ को निकालने के प्रोसीजर को ही रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है। अब यहाँ पर r की वैल्यू को प्रूव करने, इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व कर देंगे इंटीग्रल को, तो होल लेंथ हमको मिल जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले r और थीटा सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो r की वैल्यू रखने जो कि है a 1+cos θ, उसका होल हाफ स्क्वायर करना है, प्लस dr/dθ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से -a sin θ की इक्वल है। तो हमने इक्वेशन 1 से और 2 से ये दोनों वैल्यू पुट कर दी और इनको कैलकुलेट करना है। तो
जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और 1+cos थीटा का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रेशन अंडरूट के बाहर है डी थीटा। अब इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर हम कॉमन भी ले लेंगे, और एक काम और करते हुए चल रहे हैं कि ये जो ए प्लस 1+cos थीटा का होल अब स्क्वायर है उसको ओपन करें तो आ जाएगा 1+1 का स्क्वायर cos² थीटा प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस प्लस 2 × 1 × cos थीटा, और साथ में इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बाहर निकलने पर देख रहे हैं यहाँ पर अब बचेगा ओनली साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा ये बाहर लिखा हुआ है, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन अंडरूट के साइन से हम ए को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, थीटा की वैल्यू 0 से π तक चेंज हो रही है, और यहाँ पर कॉस थीटा और साइन को थीटा स्क्वायर को साथ साथ लिख देंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को साथ साथ लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, बचेगा वो लिखना है यहाँ पर 2 cos θ × d θ, ये वैल्यू 1 के इक्वल हो गई। 2a 0 to π स्क्वायर रूट 1+1 + 2 cos θ × d θ, ये 1/2 हो जाएगा, 2a लिमिट 0 to π, और ये 2+2 cos θ d θ, इनमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, जब 2 को कॉमन लिया ये बाहर लिया 2 को तो 1+ का cos θ आ गया × d θ, और इसको हाफ एंगल में तोड़ लेंगे, ओपन कर लेंगे, रूट से छुटकारा भी मिल जाएगा हमको, 1+cos θ की वैल्यू को ऐसे लिख दें, यानी कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू रखें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, कॉस थीटा की हाफ एंगल में वैल्यू होती है 2 cos²θ/2 - 1, जिससे 1 से 1 ± कैंसिल हो जाएगा, और 2a 0 to π, और वचरा अंडरूट में 2 × 2 cos²θ/2 लास्ट में dθ है, तो 2 दो बार हैं तो एक बार यहाँ से बाहर आ जाएंगे, 2 अंडरूट से बाहर ले लेंगे स्क्वायर रूट से, और यहाँ स्क्वायर होने की वजह से कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा dθ। अब कॉस का इंटीग्रेशन पता है, ये तो 4a हो गया, और हम लोगों को पता है कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, लेकिन अगर थीटा होता तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर थीटा कोएफिशिएंट 1/2 है, थीटा में 1/2 से इंटू रहा, उससे हमें डिवाइड करना होता है, लिमिट है 0 to π, ये 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a में 2a, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, साइन जहाँ पर थीटा मिलेगा वहाँ पर इसकी वैल्यू पाई रख दी, माइनस लोअर लिमिट फिर 0 वैल्यू रख दी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इधर तो 8a हो गया 4 × 2, और साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, ओनली 8a के इक्वल आ गया, और हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। अकरो दामाना अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन।